উপস্থিত সকলকে জয় যীশু। আমার
हमारे ही गांव उपस्थित हुआ प्रथमे मान्यवर बिशप स्वामीजी लगत यात सकलो फादर्स सिस्टर्स और लगते अपनालोक सभा मोर बक्तव्यर जरिए अपनालोक स्वागत Because the wind not this even this is not burning. Bisa mungkin saya mete di sabda kena mak. Pada makhluk. Sistem Prabu kita ni dan bukan sahaja kita boh, bukan sih sistem fokolo orang semua itu, bangsa sah bangsi dalam bangsa itu. Baki fakar fakar, baki fakar sisa belakang dalam fakar dan mundur. Thank you.
Theophilus Gandhari, our Jubilarian, Father G. Adhaniya, Father Vicar General, Father Daniel Devan Kachari. Adhaniya, Father Edward Amlokar, Dikajrika Palli, Asai Palli Purohit. Sabhi Upadhya Purohito, Dharambahano. Our Pyari Mata Pita, Pyari Bhaiyo Bahano, Sabhi Pyari Christan Viswasiyo. आज जुबली का दिन है. जुबली एक वैसे पवित्र घड़ी है जबकि हम आते परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सभी दानों के लिए. आज हमारा आदरणीय फादर थियोफिलस गंडारी का प्रोफेशन का 50 साल का जुबली हम लोग मना रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं आपका सुंदर जुबली के लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि फादर ने पोहित बनकर परमेश्वर के सेवा करते हुए सभी लोगों का सेवा कर रहा है. ये आज हम यही प्रदान में भाग लेने के लिए अपने आप को झुके अपनाए, पापों के लिए पछतावा करें ताकि प्रभु हमारे सभी पापों को क्षमा करे. फादर थियोफिलस गंडारी 50 साल का जुबली मना रहा है जबकि वे एक धर्म समाजी जीवन बिताने के लिए एक मानत लिया है. एक मानत लेते हुए कहे कि मैं अपने जीवन में प्रभु को मानूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, प्रभु का पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु का काम मैं करूंगा और उनका नाम से मैं पुरोहित बनकर एक पुरोहित काम मिश्र प्रदान प्रस्तावा पक्षिकार संस्कार सुनना सक्रामेंट देना और सभी कामों को भी करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर को चढ़ाते हैं. आज जब फादर थियोफिलस अपने जीवन का 50 साल को देख रहे हैं वे जरूर आज उनका धन्यवाद देना सोचते हैं कि आज मैं प्रभु कैसे धन्यवाद दूं क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कितना महान चमत्कार किया है. प्रभु को पाकर, प्रभु को ही पाकर वे अपने जीवन में आज आनंदित मना रहा है और कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे आज छू लिया है, मुझे आज अपना बनाया है और प्रभु को पाकर ही मैं आज एक पुरोहित के जीवन बिताते हुए प्रभु का मैं सेवा कर रहा हूँ. और हमारे यहाँ उपस्थित
Devan Kathari, Vicar General of Jaipur, और हमारे यहाँ उपस्थित फतेहगंज, और मैं विशेष रीति से आज का इस अवसर में हमारे परिस्थित यह नहीं है, लेकिन उसके नाम से हमारे यहाँ फादर एडवर्ड आए हैं, वहाँ डिप्टू चीफ, उसका नाम से मैं इसको भी धन्यवाद देता हूँ। और अन्य अन्य फादर लोग हैं यहाँ, और कोई कोई शायद बैठे हुए हैं, कोई देर वो होगा, लेकिन मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके विशेष स्वामी जी। बिशप जी हमारे पास उपस्थित है, हम आभारी हैं उनके पास उन पर, क्योंकि हमारे छोटे गांव में होकर हमें आनंदित किए हैं और मिसा बलि चढ़ाकर हमारे लिए प्रार्थना की है। फादर का साथ हमारे गांव भी आशीष जरूर मिले हैं, इसलिए हम आभारी हैं, और हमारा प्यार के तोहफा के स्वरूप में जार बाबे आमी आज गौरव करिछो, और तहतर दीर्घायु कामना करे आरो आगले आगबाड़ी जाओक बोली जार बाबे आज आमी प्रार्थना करिलो। तहतर जन्म एइखन गावत आरो कुनटो माटित जन्म लैछिल म कबो नोवारो, किन्तु एइखन गावे तहतर जन्म गाव, जन्मस्थान, जन्मर माटि, आरो तहतर जन्म होइछिल 1949 আজি তেখেতে বয়স অনুপাতে তেখেতৰ বয়স আজি 73 বছৰ হল। যেতিয়া তেওঁ ইয়াতে স্কুললৈ যাবলৈ বয়স হল, তেতিয়া আমাৰ এই গাঁৱৰে বৰ্তমান চলি থকা এল পি স্কুল আমার গাঁত সোমার লগেলগে সো সাইডে যে এল পি স্কুল দেখব, বিরাকাটা এল পি স্কুল, তাতে পড়াশোনা জীবন আরম্ভ করেছিল। এই এল পি স্কুলক আমি এনে ইংলিশ যদি কও ক্লাস থ্রি বলে কও, কিন্তু আমার অসমিয়াত তৃতীয় শ্রেণীলৈকে এই আমার গাঁলিয়া এল পি স্কুলত যত আমিও
ভৰি দি পেলাই সেই একেই স্কুলতে আমিও ভৰি দিব পাইছিলোঁ। সেই স্কুলত তৃতীয় শ্ৰেণীলৈকে ফাদাৰে নিজৰ পঢ়া শুনা জীৱনী আৰম্ভ কৰিছিল। তেতিয়া 1962 চনত যেতিয়া চীন দেখে চাইনাই যেতিয়া ভাৰতক আক্ৰমণ কৰিছিল, সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, 1962 চনত। তাৰ আগে আগে ফাদাৰক ডন বস্কো স্কুল তেজপুৰত তেখেতক পঢ়িবলৈ পঠাই দিছিল। সেই তেতিয়া 62 চনত তেখেতক এই চাইনা আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত তেওঁক ঘৰলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁক আকৌ শ্বিলঙলৈ পঠোৱা হ'ল। শ্বিলং যিটো আমি সকলোৱে জানে ছাবিঅ' জুনিয়ৰেট যি অনুষ্ঠান শ্বিলং মৌলায়ত অৱস্থিত, তাত তেওঁ ছাবিঅ' জুনিয়ৰেটত ক্লাছ 12, তেতিয়া এইটো পিউ বুলি কৈছিল, প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি, ক্লাছ 12লৈকে ছাবিঅ' জুনিয়ৰেটত থাকিল। আৰু এয়া ফাদাৰ হোৱাৰ যিটো প্ৰেপাৰেশ্যন, তাৰ বাবে তেওঁ ক্লাছ 12লৈকে তাতে থাকিল। তাৰপিছত 1971 চনত তেওঁ নভিচিয়েটলৈ যায়, যি অনুষ্ঠান আপাৰ শ্বিলঙত অৱস্থিত। 1971ৰ পাছত এই নভিচিয়েটৰ পৰা ওলাই তেওঁক দাৰ্জিলিঙলৈ পঠোৱা হ'ল আৰু দাৰ্জিলিঙত তেওঁ ফিলছফি আৰু ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যনটো তাত কমপ্লিট কৰিলে। তাত প্ৰায় 3 বছৰ তেওঁ তাতে আছিল। তাৰপিছত 1973ৰ পৰা 75 চনলৈকে তেওঁ আকৌ ঘূৰি আহি আমাৰ এই ওচৰৰ টংলা পাৰিছত তেখেতক প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে 75 চনলৈকে তাতে তেখেতক থাকিবলৈ দিয়ে। আকৌ তেওঁ থিঅ'লজি পঢ়িবৰ কাৰণে আকৌ তেখেতক শ্বিলং মৌলালৈ পঠোৱা হয় আৰু সেই তাৰ পৰাই ঘূৰি আহি তেখেতে মানৱ সেৱাৰ বাবে যীশুখ্ৰীষ্টৰ হৈ যীশুখ্ৰীষ্টৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে তেখেতে ফাদাৰৰ অভিষেক কৰে। তেখেতক ফাদাৰ অভিষেক কৰে, অৰ্ডিনেশ্যনটো হয় 1980 চনত। মুখলাইনি অনগাইতো সেরবা পালনফুর কেটে দিলাম ফাদার
Francis Parla, Papa Super Paris Nipay, Father Nathaniel Nazareth, Father Joseph Conrad